बिस्मिल्लाह। देखो जी, मैं तो अपनी यहाँ दुकान लगा रहा था, तीन चार लड़के आए मारने कूटने लग गए, तो सारी दुकान तोड़ती, तो गल्ला भी गायब है और दातरा दूतरा थी आता मैं तो अपनी जान छुड़ा के बच गया सीगा। मेरे पीछे बंदे बाजे हैं तो मेरे दुकान पे भी मारे हैं। कारण क्या था भी? कारण मेरी कोई किसी से कोई दुश्मनदारी नहीं है, ना मेरी किसी से कोई लड़ाई, ना मैं उनको जानता। कितने लड़के थे? दो तीन लड़के थे जी। क्या कुछ कहा उन्होंने आते ही? कैसे विवाद आते उन्होंने? आते मेरे को कुछ नहीं कहा, सीधे मारने लग गए। आते ही हाँ जी सीधे मारने लग गए, तो दुकान तोड़ दी, सारा सामान खिलाड़ दिया, सामान समून तोड़ने लग गए थे। नहीं कोई वजह तो कोई नहीं होगी, आते कोई सीधा आते ही मारने लग गए, कोई वजह नहीं है। कोई हथियार वगैरह थे उनके पास? हाँ जी हथियार थे, दातरा दूतरा थी। तो आप पहचानते हैं उनको? मैं नहीं जानता जी, पहले कभी नहीं मिला जी। जी मैं तो भाग गया सीगा, उनके मेरे पीछे भागे, तो मैं उधर गलियों से पीछे भाग गया। मैं भाई जोने भाई के छोटे भाई की दुकान पे गया, उनको मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे दुकान तोड़ रहे हैं। आपके बड़ी मुश्किल से आपने जान? हाँ जी मैं अपने मुश्किल से जान बचाई है। अब ये तो मेरे को नहीं पता, मेरे को मारने आए हैं कैसे। तो क्या लग रहा था कि नशे में थे या नशे नुशे का? तो मैंने ढंग से नहीं उनको देखा कि नशे में कैसे नहीं, वो तो सीधे मारे, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं अपनी जान छुड़ाने में हो गया था, मेरे मारन लग गए। मेरा नाम आकाश सानी है जी। ऐसा है जी, ये लड़का अपनी दुकान पे काम करता है, ये छोटे भाई की दुकान है जोने की, मनप्रीत सिंह का नाम है उसका। ये लड़का मेरे पास अभी 10 मिनट पहले घबराया हुआ और आया था वहां पे दुकान पे, भाई साहब दुकान को तोड़ने लग रहे हैं। मैं कहता हूँ जोना कहाँ है? इसको मैंने पहले पानी पिलाया और इसके साथ आया हूँ ना, जब वापसी तो यहाँ पर कोई नहीं था, चले गए थे वो लड़के, लेकिन उन्होंने सारी दुकान तोड़ रखी थी। वजह सब समझ आई कि क्यों? कोई वजह नहीं आई जी, यहाँ पर आस पड़ोस से पूछा, वो किसी को कुछ नहीं पता क्या वजह है क्या नहीं। तो यहाँ कोई नशेड़ी थे या पता ही नहीं जी मुझे, तो मैंने तो देखे ही नहीं, इस लड़के के मारी उन्होंने, ये भाग के मेरे पास आया और मैं यहाँ पर आया हूँ। नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो देखो भाई साहब, सारी तोड़ दी दुकान है, कम से कम ये सभी चीज महंगी है, 2-2.5 लाख रुपए का तो सामान ही तोड़ रखा है मेरे हिसाब से। बाकी तो वो गल्ला नहीं पड़ा जी, गल्ला यहाँ पर पड़ा नहीं, पता नहीं कितने का है, अपने को कोई आईडिया नहीं। मैं तो नहा रही थी, मुझे एकदम से शोर आया, तो मैंने ऊपर से खिड़की से देखा, तो वो मतलब 25-30 साल का लड़का है, खून उसके कान में से निकल रहा है और फोड़ रहा है सारी चीजों को, जो चीज हाथ में आ रही है वो तोड़ रहा है। उसने हमारी शॉप का इतना ज्यादा नुकसान कर दिया सर, मतलब कान पे खून था और जो हाथ में आया तोड़ता है। हाँ जी सर। कितने लड़के थे? लड़के लगभग मैंने ऊपर से एक को ही देखा है, 2-3 लड़के हमारी शॉप के लड़के के पीछे भाग रहे थे सर, तलवारें लेके हाथ में, दातर वगैरह, उसको भी भगा दिया शॉप से, उसके पीछे पड़े हुए थे जो यहाँ पे फोड़ रहा था, वो फिलहाल एक ही देखा मैंने। तो क्या लग रहा था कि नशे में था या? सर नशे में ही लग रहा था वो, और मतलब वो देख नहीं रहा, उसके हाथ में जो चीज आ रही है वो देख, मतलब दुकान के अंदर थोड़ा फोड़ी कर रहा है अच्छे से, उसको कोई एक लड़का है वो रोक भी रहा है, वो रुक नहीं रहा। इस साधन पे आए थे आप? सर साधन मैंने नहीं देखा। तो आपके पति उस टाइम दुकान पे थे? शॉप पे नहीं थे सर, वो फिलहाल शॉप पे लड़का ही था दुकान का। उसको भी डरा के मतलब उसको मतलब दातर वगैरह दिखा के उसको भगा दिया, 4-5 लड़के उसके पीछे भाग गए और जो एक लड़का था वो यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहा था। तो आपने पुलिस को फोन किया था? कर दिया सर मैंने पुलिस को, उसी टाइम पुलिस आ गई थी, लेकिन वो उस टाइम से भाग गए थे। तो पुलिस का क्या कहना है आने के बाद? पुलिस का यही है भी आप पर्चा करवाओ। सर मैं ये कहूंगी भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी शॉप का इतना नुकसान कर दिया उन्होंने, इसी शॉप से हमारा घर का सारा चलता है सिस्टम, तो इसी का नुकसान कर दिया सर। हमें पता नहीं क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई यहाँ पे, बेटा पता नहीं यहाँ था, उसको भी भगाया क्या पता नहीं तलवारों से, एक लड़का सागर है दुकान पे, उसको भी उसके पीछे पड़ गया, पता ही नहीं हमें कौन है कौन नहीं। तो वो लड़का भी अब हमारा नहीं मिल रहा, तो ऊपर बहू है उसने आवाज लगाई मेरे को, मम्मा जल्दी दुकान पे आओ, पता नहीं कौन तोड़ फोड़ कर रहे हैं।
तो मैंने कहा वो मैं क्या करूं आके उनके हाथों में तो तलवार है, मैं अकेली क्या करूं। इसके पापा बीमार थे, वो संदीप जिंदल के एडमिट थे, पानी निकल कर बाहर के आया, लीवर की प्रॉब्लम थी। तो बहू को मैंने कहा 112 नंबर पे फोन करो, आधे घंटे बाद वो आया 112 नंबर वाले, वो पता नहीं वो क्या कह के गए है क्या नहीं कह के गए, और वो सारी कार्रवाई अपनी पता नहीं आके देख ले क्या करके गए है। और बच्चे ने सुबह दिल्ली जाना था, पता नहीं पैसे पड़े थे दुकान में वो लेके गया या नहीं, हमने कोई हाथ नहीं लगाया, ये दुकान खिलरी पड़ी है, हमने तो वहां तक नहीं गया। इस टाइम जो वारदात हुई है उस टाइम बेटा आपका दुकान में था? पता नहीं जी, मैं साथ वाली गले में थी, बहु ऊपर थी, सागर लड़का था उसका, मेरे को नहीं पता कहाँ था कहाँ नहीं था, हम घर पे काम कर रहे हैं, पता नहीं बेटा यहाँ था गोदाम में था कहाँ था कहाँ नहीं था। बेटे का परिवार यही रहता है क्या? हाँ जी ऊपर रहता है, मैं भी साथ ही रहती हूँ, अब नीचे उनके हाथों में तलवारें हैं, मैं क्या करने आऊँ यहाँ, मेरे को मार के चले जाओ, उन्होंने तो नचे खाए होंगे, उनका तो कुछ जाना नहीं, या दुकानदारी खराब कर गए तब भी कुछ नहीं जाना, मेरे को मार जाते तब भी कुछ नहीं, उनका तो जाना था। अब हमें तो आगे डर आ गया, बच्चा यहाँ पे बैठेगा किस तरह, वो तो रोज आ जाएंगे यही ड्रामा करने,